हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। कंसीडर अ स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो आर इन फ्री स्पेस वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। The gaseous cloud is made of particles of equal mass m moving in circular orbit about the common center with the same kinetic energy k. The force acting on the particles is their mutual gravitational force. If rho r is constant with time, yani time ke sath rho r nahi badal raha hai lekin rho r ka function hai. The particle number density nr जिसे rho r upon mass of the particle के ratio के रूप में divide define किया गया है, आपको उसकी value calculate करनी है। g capital gravitational constant के रूप में दिया गया है और आप अपने answer में capital g term को use कर सकते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा समझें। सबसे पहले जाने simple problem है, अगर arrangement instantly exam में कर पाते हैं आप तो इस problem को राउंड में पिक किया जा सकता है, बट अगर वो अरेंजमेंट आप माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं तो आप इसे सेकेंड राउंड के लिए लीव करें। अब कैसे करना है, स्टार्टिंग पहले देखें आप। एक गैसियस क्लाउड दिया है और उसकी डेंसिटी को रो आर बताया गया है और ध्यान रहे रो आर की वैल्यू नहीं गिवन है, ये एक अननोन है। इस क्लाउड को हम एक पर्टिकुलर रेडियस आर तक बना रहे हैं लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है, ये इनफाइनाइट में है। आप एक हिस्सा अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैं एक पार्टिकल एम कंसीडर कर रहा हूं इस क्लाउड में और यह दिया गया है कि इस क्लाउड का कोई भी पार्टिकल आप देखें तो वो आपको इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों ओर के काइनेटिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता नजर आएगा। यानी आप अगर इस एम मास के पार्टिकल की बात करें तो ये एम मास का पार्टिकल इस कंप्लीट क्लाउड के अदर पार्टिकल्स के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन फोर्स को यूज करता हुआ इस सिमेट्री सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो ध्यान दें कि इस कंप्लीट स्फीयर जो हमने यहां पर बनाया है बोर्ड में, अगर मैं इसके मास को डिफाइन करना चाहूं तो डेफिनेटली मुझे डेंसिटी का टर्म पता है, लेकिन चूंकि मैं देख पा रहा हूं कि डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है तो एक छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करके इंटीग्रेशन की हेल्प से इस कंप्लीट मास को डिफाइन किया जा सकेगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक बार इस स्टेप पे आप आए, अगर मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक लेयर कंसीडर करूं इस क्लाउड में जिसका थिकनेस dx हो तो इस लेयर के लिए जो मास पार्टिकल इस लेयर में अवेलेबल होंगे उनके लिए अगर मैं मास लिखूं dm तो मैं लिख सकता हूं 4 पाई r स्क्वायर dr इनटू डेंसिटी। ये बात आप जानते हो और ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम का इनिशियल लाइन यही होता है कि एक एलिमेंट्री लेयर कंसीडर करके उसका मास कैलकुलेट करके ओवरऑल डिस्कशन किया जाता है। सो इस लेयर में जो पार्टिकल यूज किए जा रहे हैं उनका मास अब मेरे पास ये है और आप जानते हैं अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं जीरो से आर तक तो इस कंप्लीट स्फीयर का मास कैलकुलेट किया जा पाएगा। अभी मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं लेकिन यह कैलकुलेट किया जा सकेगा अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर लूं कंप्लीटली। अब इस पार्टिकल पर यह कंप्लीट स्फीयर जो फोर्स लगाएगा उसे इस मास को सेंटर पे इमेजिन करके लगने वाले फोर्स के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। हम ये बात जानते हैं कि ये कंप्लीट सिस्टम के सारे पार्टिकल जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएंगे तो उन फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पार्टिकल पर एक्ट करेगा वो सेंटर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा और यही इसे घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। सो इस मास पार्टिकल पर इस सिस्टम के सभी पार्टिकल्स का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उसको अगर मैं यहां लिखूं तो वो होना चाहिए जी इंटू टोटल मास जिसे मैं एम लिख ले रहा हूं इंटू स्मॉल
मास m इस पार्टिकल का डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और चूंकि यही इसे घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है तो इसे इक्वल होना चाहिए m v स्क्वायर अपॉन r के। अब ध्यान दें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दी है कि इस क्लाउड के फोर्सेस से यह पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है सिमेट्री सेंटर के चारों तरफ, तो किसी भी डिस्टेंस पर घूमने वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के ही दी गई है। सो अगर हम इस फैक्ट को यूज करें और एक आर का टर्म कैंसिल करने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो इस हाफ एम वी स्क्वायर टर्म को काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस किया जा सकेगा। यानी अब हमें इक्वेशन मिलेगी हाफ जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इस फॉर्मूले को अरेंज करके हम कैपिटल एम की वैल्यू को आर के टर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे। आप देखते रहें ये कैपिटल एम का वैल्यू है और कैपिटल एम का वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं। सो एम का वैल्यू 2 के आर अपॉन जी एम हमने पता लगा लिया है, और अगर इस वैल्यू को अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, इट इज 2k बाय gm इनटू r। अब यहां पर ध्यान दें कि इस इक्वेशन में मैं केवल इतने पार्ट की अब बात कर रहा हूं, आप ये मान लें कि हम m की वैल्यू पुट कर चुके हैं और अब एक्सप्रेशन ये हमारे पास है, हमें अपना प्रॉब्लम याद है, हमें रो r अपॉन स्मॉल m की वैल्यू जिसे नंबर डेंसिटी nr से प्रेजेंट किया गया है कैलकुलेट करनी है। So, अब इसे nr जैसा बनाने के लिए मैं एक मास टर्म जो कि कांस्टेंट है, ये m पार्टिकल का मास है, इस बात को याद रखें, इस मास m से मैंने दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक तरफ मैंने इसे इंटीग्रेशन के अंदर रखा है और एक तरफ बाहर रखा है, इससे जनरलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मुझे इस रो r बाय m की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो जैसे इस प्रॉब्लम में एनआर कहा गया है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड और न्यूटन लिबनीज फॉर्मूला जो कि मैथ्स के सभी स्टूडेंट जानते हैं इस पर अप्लाई करूं, तो आप देख पाएंगे इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि किसी इंटीग्रल सिस्टम के ऊपर जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाते हैं और हमें अपर और लोअर लिमिट के अकॉर्डिंगली इसे लिखना पड़ता है, तो वो स्टेप आप सभी जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन जाना चाहिए रो आर अपॉन एम इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करने पर इंटीग्रेशन कैंसिल, ये टर्म मैंने लिखा, और इसके अलावा मुझे इंटू में अपर लिमिट का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखना होगा जो कि वन है, माइनस यही टर्म एक बार आर को जीरो पुट करके मैं फिर अप्लाई करूंगा। यहां पर ध्यान दें जब हम न्यूटन लिबनीज फॉर्मूला लगाते हैं जो कि किसी इंटीग्रल के ऊपर डिफरेंशिएशन पर इस्तेमाल किया जाता है, तो हम पहले अपर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पर रख करके उसके साथ अपर लिमिट के डिफरेंशिएशन को पुट करते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट जीरो को इसमें पुट करके जीरो का डिफरेंशिएशन पुट करते हैं। चूंकि किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो लोअर लिमिट लगाने पर आप समझ सकते हैं यह जीरो ही आएगा। So, इस टर्म को मैं लीव कर रहा हूं और इसे बराबर होना चाहिए 2k अपॉन जी एम स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ r यानी 1k। सो ये टर्म और ये टर्म आपस में सेम होने चाहिए, और अब अगर मैं इस टर्म को nr डिफाइन करूं तो nr का वैल्यू मुझे मिलेगा 2k अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू जी एम स्क्वायर, एक 2 से एक 2 को कैंसिल करने के बाद जो आउटकम हमें पता लगा है इस प्रॉब्लम का वो है k अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर जी एम स्क्वायर, और यही इस प्रॉब्लम का करेक्ट चॉइस। सो इस तरह से आप न्यूटन लिबनीज फॉर्मूला लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो तरीका मैंने इस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया है वो वही तरीका है जिसे आमतौर पर एक स्टूडेंट हर क्वेश्चन में यूज करता है। हम अपना पैटर्न चेंज भी कर सकते थे बट मैं चाहता था कि उसी पैटर्न पर चलता रहूं जो हम फॉलो करते हैं, नहीं तो एक काम न्यूटन लिबनीज फॉर्मूले से बचने के लिए इस स्टेप पर जो मेरे माइंड में आया था आप उसे भी सुन लें कि m का वैल्यू जब ये टर्म इस तरीके से लिख के प्रेजेंट किया गया था तो इस मास को डिफरेंशिएट करके इसी स्टेप में हम एक एलिमेंट्री लेयर का मास कैलकुलेट कर सकते थे। इस स्टेप को भी ध्यान से समझ लें, अगर हम ऐसा करते तो ये dm एक एलिमेंट्री लेयर के मास को प्रेजेंट करता
और इस कंडीशन में हम डीएम की वैल्यू को 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डेंसिटी से रिप्लेस कर पाते, यानी जो टर्म आपने इंटीग्रल के अंदर लिखा है ये कंप्लीट टर्म बिना इंटीग्रल के लिखा जा सकता था, और इस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज किए बिना आगे बढ़ जाते। बट एक पैटर्न बनता है, हम सबसे पहले डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके किसी एलिमेंट्री लेयर से मास कैलकुलेट करके चलते हैं, तो आप ऐसे जाना चाहें तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले मास को डिफरेंशिएट कर लें तो इस इक्वेशन में डीएम की वैल्यू रो आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, अब लगा के डी आर कैंसिल करके डायरेक्ट रो आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपको एक ही आउटकम तक पहुंचाएंगे। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।